अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट डिजाइन, कुछ स्टाइलिश और समथिंग डिफरेंट। स्टार्ट करते हैं जी वीडियो और देखते हैं डिजाइन। सबसे पहले जो मेरे पास ड्रेस है ये है जी सना सफीनाज का, विंटर का आर्टिकल है। राउंड नेक वी है, सीधे स्लट में इसमें लूप्स लगे हुए हैं, साथ में पर्ल्स रख के लगाए हैं। ये देखें जी, ये गला है इस तरह से और ये इसमें स्लिट है। इसके अंदर जो है वो हमने पाइपिंग नहीं की हुई, जस्ट लूप रख के ऊपर पर्ल लगाए हुए हैं। दामन पे इसके जो है वो एप्लिक करवाया हुआ है पैच, एक एम्ब्रॉयडर्ड पैच है जो इसके साथ ही आया था और उसको एप्लिक करवाया हुआ है। दामन में इसके नीचे लैस अटैच की हुई है, ये देखिए इस तरह से लैस है। सेम कलर में डाई करवा के लगाई है ये लैस और साथ में इसके ऊपर दो कलर्स के जो है वो हमने बॉल्स लगाए हैं। एक बॉल जो है वो डार्क पर्पल कलर की है जो कि ब्लैकिश नजर आ रही है इस टाइम, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर है, और एक जो है वो लाइट पर्पल कलर है। साइड स्लिट्स में इसके जो है वो पाइपिंग की हुई है, साथ में पर्ल्स रख के लगाए हुए हैं, ये देखिए इस तरह से बाहर की तरफ पर्ल्स को बढ़ा के लगाया हुआ है। पर्ल्स जो हमने इसमें अटैच किए हैं उनका जो साइज है वो मीडियम साइज है, ना बहुत बड़ा साइज है ना छोटा साइज है, मीडियम साइज का पर्ल है। व्हाइट पर्ल मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये जी इसकी बैक साइड है, फ्रंट साइड इसका फुल एम्ब्रॉयडेड है और बैक साइड प्लेन है। राउंड नेक है बैक पे और जो बैक दामन है उसके ऊपर भी लेस अटैच की हुई है। बैक दामन पर बॉल्स अटैच नहीं की, बॉल्स जस्ट स्लीव्स पर और फ्रंट दामन पर ऐड की है, साथ में दुपट्टे पर ऐड की, और दुपट्टा बहुत नाइस लग रहा है बॉल्स लग के, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, ये इसका बैक दामन हो गया। अब आपको दिखाती हूँ इसके स्लीव्स। स्लीव्स इसके कुछ इस तरह से है, एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स हैं। सामने ये प्रिंटेड इसके साथ बॉर्डर था, ये एम्ब्रॉयडर्ड वाला हिस्सा है, उसको जॉइंट लेस के साथ अटैच किया है और साथ में ये देखें ये प्रिंटेड हिस्सा है। इसके ऊपर अभी जो है वो बॉल्स लग रहे थे जब मैं शूट कर रही थी, ये देखिए जी। जब आप ऑल ओवर लुक देखेंगे तो बॉल्स लग चुके होंगे और फिर ऑल ओवर लुक में आपको क्लियर जो है वो नजर आएंगे। अब आपको दिखाऊंगी इसका ट्राउजर। ट्राउजर इसका बहुत नाइस है, ये डिजाइन मेरी कस्टमर ने दिया था मुझे ये बनाने के लिए, बहुत नाइस ट्राउजर बना है इसका। ये देखें जी, दो तरह के कटवर्क हैं, एक ट्राउजर का सेम कलर है, दूसरा जो ड्रेस के साथ बॉर्डर था उसके कटवर्क बनाए हैं, साथ में नीचे डबल वाले लूप्स लगाए हैं। ये देखें जी, स्क्रीन शॉट ले लें, इसका डिजाइन बहुत नाइस है। ये देखें जी, ये इसका पांचा आ गया कुछ इस तरह से। बाकी जो ट्राउजर की बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है इस तरह से। अब मैं आपको दिखाऊँ ये इसकी शॉल, इसकी जो शॉल है उसका जो बॉर्डर है हमने साइडों से स्किप कर दिया है, बड़ा बॉर्डर स्किप कर दिया, छोटा बॉर्डर सामने आ रहा है। ये देखें जी, ऑलराउंड इसको लेस अटैच की है और साथ में इसके जो है वो दो कलर्स की बॉल्स रख के लगाई हैं। सारी बॉल्स को इसके ऊपर जो है वो स्टिच लगाए हुए हैं। नीचे फैशन पट्टी डार्क पर्पल कलर की हुई है और साथ में बॉल्स दो दो कलर की बॉल्स जो है गैप के साथ लगाई हुई है। ये जी ड्रेस की ऑल ओवर लुक है कुछ इस तरह से। ये देखें जी, ये स्लीव्स पर बॉल्स लग गई हैं और ये देखें ये इसका दामन है, ये इसके साइड स्लिट्स है। मैं आपको साइड से करीब से दिखाती हूँ। ये ट्राउजर है, ये देखें जी, ये दुपट्टा है इसका, शॉल इसकी सॉरी, और ये देखें ये इसके स्लिट्स हैं और ये स्लिट्स में जो है वो सारे पर्ल्स लगे हुए इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से पर्ल्स लगे हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रेस है ये आर्टिकल है निशात का। राउंड नेक सीधे स्लिट में पाइपिंग है, फ्रंट बैक दामन और बाजू पे बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। इसी तरह इसके ट्राउजर पे भी डिजाइन जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसमें हमने जो है वो फोल्डिंग ट्राइंगल्स और लूप्स यूज किए हैं। लूप्स ब्लैक कलर में है, जो फोल्डिंग ट्राइंगल है वो दो कलर की है। स्क्रीन शॉट ले लें आप इसका, ये देखें। फोल्डिंग ट्राइंगल के लिए एक कलर तो हमने सेम ही यूज किया है, दूसरा जो है वो ब्लैक यूज किया है। फैशन पट्टी भी ब्लैक कलर की लगाई है, ये देखें जी, ये इस तरह से इसमें लूप्स हैं। एक जो फोल्डिंग ट्राइंगल है उसमें से निकल के दूसरी फोल्डिंग ट्राइंगल में लूप जो है वो फिक्स हो रहा है। ये इसके साइड स्लिट्स हैं, साइड स्लिट्स में जो है वो ब्लैक कलर की लेस लगाई हुई है। फैशन पट्टी ब्लैक कलर की यूज की हुई है, ये देखिए इस तरह से। फैशन पट्टी के लिए जो फैब्रिक यूज किया है वो यूज किया है सिल्क। फोल्डिंग ट्राइंगल्स के लिए जो फैब्रिक यूज किया है वो किया है खद्दर, जो ब्लैक है, जो दूसरा सेम है वो भी इसी तरह करंडी टाइप खद्दर है, और जो हमने लूप्स बनाए हैं वो सिल्क के बनाए हैं। इसी तरह ये इसकी बैक साइड आ गई, राउंड नेक है, बैक साइड का जो दामन है उस पर भी फोल्डिंग ट्राइंगल्स और लूप्स का सीक्वेंस है। दिखाती हूँ आपको, सेपरेट करके दिखाती हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। ये देखें जी इस तरह से, ठीक हो गया। जो फोल्डिंग ट्राइंगल है वो खद्दर के फैब्रिक के हैं लेकिन जो लूप्स हैं वो सिल्क के फैब्रिक हैं। अब बारी है जी स्लीव्स की। स्लीव्स के सामने उसी तरह से डिजाइन बनाया है जैसे फ्रंट बैक दामन के नीचे है। फोल्डिंग ट्राइंगल्स के ऊपर तीन प्लेट्स हैं, साथ में एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है जो ड्रेस के साथ है वह था। स्लीव्स जब पहने हुए होंगे तो इस तरह की लुक आएगी जैसे इस वक्त आ रही है। इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको इसका ट्राउजर, इसका ट्राउजर किस तरह से है। ये जी इसका ट्राउजर है, ट्राउजर के पांचे में वी कट बने हुए हैं और उनमें पिनटेक्स वाला जो है वो फैब्रिक फिल किया हुआ है। ये देखिए इस तरह से वी कट है और वी कट में पिनटेक्स वाला फैब्रिक ऐड किया हुआ है। बाकी जो ट्राउजर का बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन और बैक इलास्टिक है। इसके बाद जी मैं दिखाऊंगी आपको ड्रेस की ऑल ओवर लुक के, ड्रेस ऑल ओवर लुक में कैसा लगता है। राउंड नेक स्लिट है कुछ इस तरह से, ये देखें। ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स है, ये ऊपर छोटा सा एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है, साथ में तीन प्लेट्स हैं, साथ में ये जी लुक है फोल्डिंग ट्राइंगल्स की। ये इसके ट्राउजर की लुक है कुछ इस तरह से और
और मैं आपको दिखाती हूँ इसका दामन, और फोल्डिंग ट्राइंगल्स को करीब से दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये फोल्डिंग ट्राइंगल्स हैं, ये इस तरह से डिजाइनिंग है फोल्डिंग ट्राइंगल्स की। ये देखें जी, लूप्स और फोल्डिंग ट्राइंगल्स दो कलर्स में, बाहर वाला कलर ब्लैक है और अंदर वाला सेम ड्रेस के साथ का है, ये इसके साइड स्लिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रेस है ये भी निषाद का आर्टिकल है, बूट पाइपिंग की भी है गले पर भी और स्लिट में भी, उसके ऊपर जो है वो बटन लगे हुए हैं। ये देखें जी, इस तरह से फैब्रिक इस ड्रेस का बहुत नाइस है, विंटर के लिहाज से बिल्कुल गर्म है, और ना तो ये खद्दर है और ना ही ये क्या कहते हैं उसको करंडी है, ठीक है। इसका स्टफ बहुत नाइस है, मतलब जैसे जीन्स टाइप फैब्रिक हो इस टाइप का फैब्रिक है, लेकिन थोड़ा फैंसी लुक में है। फ्रंट बैक दामन पे इसके जो है वो लेस लगी हुई है सेम कलर में, साइड स्लिट्स में भी सेम कलर में लेस लगी हुई है। फैशन पट्टी जो इसको दी हुई है वो सेम फैब्रिक की फैशन पट्टी दी है, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है उसका कलर ऐसा है कि उसको ना तो कोई सिल्क में फैशन पट्टी लग रही थी, और ना ही अगर हम मैसूरी के टच में जाते हैं तो उसमें कोई फैशन पट्टी लग रही थी, और ना ही पेपर सिल्क में या रॉ सिल्क में। तो हमने सेम कलर की फैशन पट्टी रखी है, लेकिन जो लेस रखी है वो स्किन कलर की रखी है। ये देखिए इस तरह से, ये बैक साइड पे भी उसी तरह लेस लगी हुई है जैसे फ्रंट साइड पे लगी हुई है, बैक स्लिट्स में भी ऐसे है। अब आपको दिखाऊंगी इसके स्लीव्स। ये जी इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साथ ये जो है एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर आया था उसको भी सामने लेस लगी हुई है, और जो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर है और गेंजा पे बना हुआ है उसको बाजू के ऊपर रख के लगाया हुआ है। ड्रेस के साथ शलवार है, दिखाती हूँ जी। ये शलवार है, इसकी स्टफ शलवार का और सूट का सेम है, जो इसके पांचे हैं वो सिंपल बने हुए हैं ऊपर नीचे सिलाई के साथ जैसे बनते हैं। और जी ये इसका बेल्ट है, चुनट के साथ इसका बेल्ट बना हुआ है कुछ इस तरह से। ऑलराउंड इलास्टिक है इसकी, आप फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक भी रख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शॉल। इसकी शॉल जो है वो ड्रेस के साथ रेडी टू वेयर ही आई थी, मतलब ये क्रश में इसकी शॉल है, बहुत ही नाइस स्टफ है। पहले भी मैंने एक वीडियो में अपने ये स्टफ शो किया था, ये ब्लू कलर में मैंने ये ड्रेस शो किया था, अब ये ब्राउन कलर में है। शॉल जो है इसका स्टफ बहुत नाइस है, विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है शॉल की, लेकिन स्टफ बहुत नाइस है इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रेस है ये एक रेप्लिका है, लेकिन इसका डिजाइन बहुत नाइस था, सो मैंने आप लोगों के साथ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फैब्रिक बहुत कम था, कैसे उसको एक्सटेंड किया है, इसके तीरा जहाँ पे होता है ना जिस जगह पे, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ज्वाइंट है। हमने एक लेस और एक एंकर थ्रेड का सीक्वेंस रखा है, एक लेस लगाई है और साथ में एक एंकर थ्रेड है। फ्रंट बैक पे इसी तरह से ज्वाइंट ऐड किया है, ये देखें। स्टाइलिंग भी हो गई है और जो है इसकी लेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो गई है। इसमें पैनल आ रहा है, एम्ब्रॉयडर्ड पैनल है, ये पहले से ही इसके ऊपर बना हुआ था। ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन पे हमने बटन्स का सीक्वेंस किस तरह से बनाया है, बीड्स यूज किए हैं और साथ में गोटे वाला रिंग यूज किया है। बाहर वाले दोनों जो बटन है वो पिंक है, सेंटर में रिंग है और रिंग के साथ जो है वो एक मैरून कलर का बीड्स अंदर यूज कर दिया है। पैनल की एम्ब्रॉयडरी पहले से बनी हुई थी इसके ऊपर, और ये जो इसके साथ कलरफुल सा बॉर्डर है इसके साथ आया था, इसको हमने अप्लिक करवाया है इसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर रख के। ये वाला जो है ऑलराउंड जो हमने पाइपिंग की है वो मैरून कलर की है, क्योंकि इसमें जो उन्होंने मेन जो इसमें शेड दिया हुआ है वो मैरून है। ये देखिए इस तरह से, ये मैरून कलर की इसको पाइपिंग की हुई है ये ऐसे, और जो इसमें एम्ब्रॉयडर्ड पैच आया है वो कलरफुल है, तो बटन जो है उसके साथ मैच कर दिए हैं। ये ड्रेस की बैक साइड है, बैक साइड के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, ऊपर से लेंथ कम थी जिसकी वजह से हमने ऊपर इस तरह से डिजाइनिंग की है। लेस है, देन जो है वो एंकर थ्रेड है, देन लेस है, देन एंकर थ्रेड है, बहुत अच्छी स्टाइलिंग हो गई है। और ये जी इसकी बैक साइड है, बैक साइड पे फुल जो है वो लाइनिंग आ रही है। लाइनिंग में जैसे आपको पता है कि लेंथ जो है वो लॉन्ग भी लगती है और ड्रेस स्मार्ट भी लगता है पहनावा। अब जी बारी है इसके स्लीव्स की, जो इसकी रेप्लिका थी इसका स्टफ इतना अच्छा नहीं था, बस स्टाइलिंग अच्छी थी लेकिन फैब्रिक भी पूरा नहीं था और स्टफ भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करके पूरी एफर्ट करके हमने जो है वो उसको बना दिया। इसके बाद जी बारी है इसके ट्राउजर की, ये इसका ट्राउजर है। अच्छा, ड्रेस का स्टफ मैंने आपको नहीं बताया, ड्रेस का जो स्टफ है वो लिलन है, सॉफ्ट लिलन है। ट्राउजर के पांचे के साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है जिसको हमने नीचे रख के अप्लिक करवा दिया है, साथ में ट्राउजर के ऊपर एक पैर का प्लेट है जिससे जो है वो पैच की लुक भी थोड़ी सी जो है वो निकल के आ रही है। बाकी जो ट्राउजर की बेल्ट है वो फ्रंट प्लेन बैक इलास्टिक है। ऑल ओवर दिखाती हूँ किस तरह से इसका नेकलाइन है, ये देखें जी, ये इसकी ऑल ओवर लुक है। ये इसके बटन्स हैं जो बीट्स की शक्ल में हमने बना के लगाए हैं ताकि थोड़ा कलरफुल हो जाए। स्लीव्स हैं और ये जी इसकी ऑल ओवर लुक है। इसी के साथ दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा अपना, बच्चों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, घर में सबका ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।